अबे बेटी चोत, कब आएगा तू यूट्यूब का पैसा? बस डैडी 5-6 महीना और। चोत मादर चोत, कब आएगा पैसा? आएगा पैसा 2019 सही कहा थे। ट्रस्ट मी डैडी, आप बेफालतू में अपनी वाइफ को गाली दे रहे हैं। मैं एक दिन वक्त बदल दूंगा। डायलॉग ना बेटा पहले हमसे, लेकिन बहुत पहला। 2019 सही कहा थे। अब आएगा पैसा, आएगा पैसा। एक को मरे ना बीते थे। मुंह ढक चलाई वो। डैडी 1000 रुपया दे दियो। फिर आई वो। डैडी 800 रुपया दे दियो। अबे इतना पैसा देख कर कहाँ बे? अरे डैडी इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अबे तू किसकी गाड़ी में इन्वेस्ट करता है? देखिए आप ऐसी अश्लील बातें करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। देखिए डैडी टाइम लगेगा, लेकिन जब आएगा तब फील के आएगा। देख बेटा, 2 बार हार्ट अटैक आया है और 3री बार आया तो लौड़क 3 हो जाए हम। इसलिए देख, जमीन जायदाद घर मकान सब तेरे नाम कर दिया हूँ पहले से। प्लीज डैडी ऐसी बातें मत करो, मैं इतनी जल्दी आपको जाने नहीं दूंगा जब तक छूट नहीं लूंगा। क्या? कुछ नहीं, बस 3000 रुपया दे दो। 3000? 3 रुपया नहीं मिलेगा तुमको। चला जा बेटी चोजा से। 3 महीने तक केटीएम खड़ा कर दूंगा। बजा फटी जा। एक साइकिल लेना तब हमसे बतियाना। फट। इधर आओ ब्रो। रील्स पे नया ट्रेंड चल रहा है, ऐसे उठाओ और ऐसे ऐसे करो। भट साले मेरा, ये कौन सा ट्रेंड है? अबे नया ट्रेंड है, सोफिया पंसारी भी ऐसे ऐसे हिला हिला के आगे बढ़ी है। अबे छोड़ो दे, हमारा बाप जानता है हम यूट्यूबर हैं और हम यहाँ 2.5 साल से इलैया डुलैया कर रहे हैं। अबे फेमस तो हूँ ना, आज याजू फैजू हमारे नीचे हैं। और कमाते क्या है झट? डैडी हमारे रोज पूछते हैं कब आएगा पैसा यूट्यूब से, और तुम जानते ही हो घर जमीन हमारे नाम कर दिए हैं। अरे वाह, पैसा ही पैसा होगा, नाम होगा, सौदा होगा। चल पेल के बेच देते हैं। क्या जमीन? अरे डैडी पेल के बहा देंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास एक बिल्डर है जो अंडरग्राउंड काम करता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा। क्या बात कर रहा है? तू जा जमीन कागजात ले आ। ओके डन। प्रॉपर्टी का 8,25,000 बन रहा है बस। अरे सर 1-2 लाख और बढ़ा दीजिए। अपना पग दहेज ले आए हो? अरे नहीं सर, गरमाइए नहीं, अब तुम यही लालच फेल रहे हो। 8 लाख कम है, 2-3 के एटीएम खड़ा हो जाएगा। अपने डैडी का सपना भी पूरा करना है ना, ज्यादा सोचो मत। मेरा चेक। टोली सपनों की गोली, हर ऊट पटंगा, थैंक यू सर। जो चला ले की जेब पे खाली, कदम कदम पे पंगा, हर सिक्के पे टी कुल कर देंगे, नहीं है कोई चॉइस। YouTube का पैसा आ गया डैडी। आ गया YouTube का, कहाँ है रे, कितना है? ये देखो डैडी, न्यू बाइक लिया है। YouTube का पैसा चल लिया है डैडी। आगे का 2,500 पैसा। वाह मेरे बेटे वाह, आज मेरा सीना दो इंच और बढ़ गया बेटा। वाह बेटी, देखा बाबूजी, आपके बेटे ने YouTube के पैसे से न्यू बाइक ले ली। ए छपरिया, ते चुप भौ सड़ी के, बेटा इसके चक्कर में मत पड़ना, साला बर्बाद कर देगा ही। अरे छोड़ो डैडी, ये देखो। देखो डैडी, केटीएम हीरो होंडा। अरे कोई बात नहीं, लेने वाली थी बेटा। अरे डैडी अगली बार केटीएम ले आऊंगा डैडी। राम राम बाबू जी। राम राम बाबू, ये कौन लोग है वो? अरे कुछ नहीं डैडी, वो छपरी के जान पहचानी है। क्यों घर खाली कर दिया ना? मुझे कल ही शिफ्ट होकर अपनी बीबी के साथ हनीमून मनाना है। घर खाली, बीबी के साथ हनीमून, ये कैसे क्यों चले बाजी है बे? अबे तुम तो बोले थे भोसड़ी का सब अंडरग्राउंड होगा। बोला तो था बेटी चोदो।
कुछ कहा क्या नहीं बोले थे? जी, आपके बेटे ने ये घर 8,25,000 में बेच दिया है। ये घर का कागजात। 8,25,000? और ये तो कह रही भाई कि YouTube के पैसे से हो। इल्लो बाऊजी, YouTube के नाम पे तो अड़गड़ियों मार ली। अबे चुप, दिमाग का भोपड़ा मत कर, घर खाली कर। बताओ इतना मादर चोर लंडा पैदा किया हूँ, YouTube के नाम से हमारा घर बेच दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कर दो। लाइक करो गाइस वीडियो को और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, आप लोगों को मजा आ रहा है कि नहीं। आप लोगों की प्यार की वजह से आज यहां तक पहुंचे गाइस, बस ऐसे ही प्यार बनाए रहो। हाँ गाइस सब्सक्राइब करो वीडियो को, शेयर जरूर किया करो, शेयर करो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटा दबा दो। वीडियो बहुत तगड़ा तगड़ा आ रहा है, बस ऐसे ही प्यार बनाए रहो, जल्दी जल्दी नई वीडियो आती रहेगी। बाय बाय, लव यू गाइस।